After the fire, some seeds require intense and post-fire nutrient-rich soil. Good chance to the seed will grow into a mature tree. यानी कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिन विच रिक्वायर्स इंटेंस एंड पोस्ट फायर न्यूट्रिएंट रिच सॉइल, जिसको सीड जर्मिनेशन के लिए और जर्मिनेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल जो रह गई है फायर के बाद वो उनको चाहिए। और अगर ये उसको मिल जाए सीड जर्मिनेशन से पहले उसको फायर और उसके बाद न्यूट्रिएंट रिच सॉइल उसको मिले तो उनकी चांस बहुत ज्यादा है कि वो ग्रो कर लें और एक मैच्योर ट्री बना लें। डोमिनेटिंग प्लांट्स आर सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड बाय फायर व्हिच प्रोवाइड रूम फॉर द लेस डोमिनेटिंग एंड समटाइम्स मोर पैलेटेबल फॉर हर्बिवोरस स्पीशीज। फॉरेस्ट में या इवन इकोसिस्टम में कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो डोमिनेटिंग होते हैं और यानी जो एबायोटिक रिसोर्सेज हैं मसलन सॉइल न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा इजीली वो एब्जॉर्ब करते हैं, तेज़ी के साथ एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, साइज में भी बड़े हो जाते हैं और लाइट को भी के लिए भी वो डोमिनेट करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स फायर की वजह से मोस्ट ऑफ द केसेस में वो डोमिनेटिंग प्लांट्स हैं और उनको रिमूव करना पड़ता है, रिमूव हो जाते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ फायर। और उसके रिजल्ट में जो मोर पैलेटेबल प्लांट्स हैं वो अगर ये डोमिनेटिंग प्लांट्स फायर की वजह से रिमूव ना हो जाए तो जो वांटेड पैलेटेबल प्लांट्स हैं फॉर हर्बिवोरस एनिमल्स के लिए तो वो पैलेटेबल प्लांट्स वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। वो एरिया हमारे एनिमल्स के लिए, हमारे कैटल्स वगैरह के लिए वो सूटेबल नहीं रहेगी, क्योंकि पैलेटेबल प्लांट्स जब वहाँ पर नहीं है तो वो हमारे यूज के, खासकर हर्बिवोरस एनिमल्स के यूज के लिए वो सूटेबल नहीं होगी। फायर इन डोमिनेटिंग प्लांट्स को रिमूव करने का बायस बनते हैं और पैलेटेबल स्पीशीज जो है वहाँ पर फ्लोरिश करेंगे। ब्रेक द डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स इन मैनी प्लांट्स स्पेशली इन रिस्प्राउटर्स। रिस्प्राउटर्स जो प्लांट्स हैं उसकी जो यानी रिस्प्राउटर्स वो प्लांट्स हैं जो फायर के रिजल्ट में उसके जो ग्रीन पार्ट्स हैं, जो ट्विग्स हैं वो तो ख़त्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, लेकिन फायर के बाद वो बहुत तेज़ी के साथ रीग्रोथ स्टार्ट कर लेते हैं। उसके ब्रांचेस, लीव्स वगैरह दोबारा यानी वो ग्रोथ रिज्यूम कर लेते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम रिस्प्राउटर्स कहेंगे। इसके अलावा द इंटेंशनल यूज ऑफ फायर टू अचीव अ लैंड मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव इज ऑफन रेफर्ड टू एज प्रिस्क्राइब्ड बर्निंग। द मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव इंक्लूड यानी हम खुद से ही, ह्यूमन बींग खुद से ही कुछ एरियाज में कंट्रोल्ड फायर कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसका फायदा क्या होगा, द कॉमन ऑब्जेक्टिव उसका क्या है, creating or maintaining habitat for wild and domestic plants and animals. यानी domestic plants के लिए भी environment को suitable बनाना है ताकि domestic animals उन plants को अच्छी तरह use कर सके। controlling undesirable plants, increasing the nutritional quality of forage for wild and domestic herbivores, reducing fire hazard through fuel reduction and increasing nutrient cycling rates. इस जुमले का मतलब ये है कि हम कुछ प्लांट्स को अगर जिस तरह बहुत सारे पार्क्स में प्रैक्टिसेस होती हैं नेशनल पार्क्स में ऐसे मैकेनिज्म ये अडॉप्ट किया जाता है वहाँ पर प्लांट्स को कंट्रोल्ड फायर वहाँ के श्रब्स में या खासकर जो श्रब्स हैं वहाँ पर हम फायर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो हर्बिवोरस प्लांट्स हैं एक तो प्लांट्स साइज के लिहाज से इंक्रीज हो जाते हैं, जो नीचे वाले ब्रांचेस हैं या उसके लीव्स हैं वो तो एनिमल खा लेते हैं, एज ए रिजल्ट प्लांट्स का साइज
बड़ा हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, वहां तक हर्बीवोरस एनिमल्स की पहुंच नहीं हो पाती, तो हम उन प्लांट्स को फायर कंट्रोल फायर के जरिए उसके जो अपर ब्रांचेस है उनको जला लेते हैं। एज ए रिजल्ट जो न्यू स्प्राउट्स निकलते हैं जो रूट से या अंडर या लोअर ब्रांचेस से या लोअर स्टेम में जो डारमेंट बर्ड्स मौजूद थे वो रीस्प्राउट कर लेते हैं, और रीस्प्राउट के रिजल्ट में उसके जो लीव्स हैं वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होंगे, यंग होंगे, फ्रेश होंगे, और उस तक हर्बीवोरस एनिमल्स की पहुंच भी आसानी से होगी। इसके अलावा अगर जहां पर फायर का खतरा ज्यादा हो तो वहां पर हम कंट्रोल्ड फायर लगाकर जो नेचुरल फायर है उसके नुकसान को कम कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो ट्रीज या प्लांट्स एज ए फ्यूल मौजूद हैं उसके फ्यूल को कम किया जा सकता है एंड इंक्रीजिंग द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग रेट्स, और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग रेट्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं। आपको पता है कि प्लांट्स पार्ट में तकरीबन तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, अगर हम उनको जला लें कार्बन डाइऑक्साइड तो ऊपर चला जाएगा, बहुत सारे कुछ जो गैसेस हैं वो तो चले जाएंगे, लेकिन एशेज में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि वापस साइल में आकर दोबारा रीयूज हो सकते हैं। Fire continues to be extensively used as a land treatment by hunter-gatherer, pastoral and agricultural people around the world to clear vegetation, improve pastures and remove crop residue. यानी एज ए एग्रीकल्चरिस्ट हम इसको इन तरीकों से ऑब्जेक्टिव के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं फायर को। थैंक यू। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्लांट एडेप्टेशन टू फायर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।